नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि 14 जनवरी 2022 यानी मकर संक्रांति के दिन आप कैसे प्रचंड वशीकरण कर सकते हो, बहुत ताकतवर वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, पर ध्यान रहे मांस मदिरा का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है और मुहूर्त पर ही ये विधि करनी है। मित्रों, आज का जो उपाय है वो बहुत ही ताकतवर उपाय है, क्योंकि जो उपाय किसी खास मुहूर्त पर किसी त्योहार पर किए जाते हैं वो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। मकर संक्रांति का पर्व ज्योतिष विद्या के साथ साथ तंत्र विद्या का भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बहुत ही ताकतवर मुहूर्त इस दिन बनता है। तो जैसे बताया है वैसे करें, गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। इस विशेष मुहूर्त पे आपने अगर वशीकरण कर दिया तो वशीकरण भी विशेष होगा, बहुत ही ताकतवर वशीकरण होगा। जिस प्रकार से आप अपने प्यार के लिए रोते हो, अपने प्यार के लिए तड़पते हो, उसी प्रकार से आपका प्यार भी आपके लिए तड़पेगा। जितना प्यार आप उससे करते हो उससे कई गुना ज्यादा प्यार आपको मिलने लगेगा। और अगर ये विधि जीवन में एक बार कर ली तो फिर आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, किसी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये विधि आपको एक बार करनी है। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप एक सादा जल लेना है जो आप घर में पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो पानी आपको लेना है किसी भी पात्र में, चाहे वो स्टील का हो, तांबे का हो, कांच का हो, प्लास्टिक का हो, किसी भी प्रकार के पात्र में आप ये ले सकते हो। सादा जल आपको लेना है जो आप पानी पीने के यूज में करते हो। वो सामने वाले की फोटो लेनी है, 3 साल से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए, सामने देखते हुए फोटो होनी चाहिए। अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान से जाकर आप निकलवा सकते हो और विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। विधि का समय रहेगा 13 जनवरी 2022 रात्रि 12 से 3 बजे के बीच, क्योंकि 13 जनवरी की रात्रि 12 बजे के बाद 14 जनवरी शुरू हो जाएगी और 12 से 3 के बीच में ही आपको ये विधि आरंभ करनी है। 3 घंटे के अंदर अंदर जो हमने रात्रि का उपाय बताया वो आपका पूरा हो जाना चाहिए। 3 बजे के बाद अगर आप इसे करोगे तो फिर ये फलित नहीं हो पाएगा। तो 3 घंटे का समय बहुत होता है और 12 से 3 के बीच आपको शुद्ध होकर, शुद्ध तन मन के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है सामग्री लेके। और सर्वप्रथम आपने जो ये प्रतिबिंब लिया है सामने वाले का, हमने यहां पर फोटो की जगह कागज इस्तेमाल किया है क्योंकि अभी किसी का वशीकरण नहीं हो रहा है। आपको अपने प्रेमी का वशीकरण करना है तो प्रेमी की फोटो लेनी पड़ेगी। इस फोटो को पूरी तरीके से जलाना है, अवशेष नहीं रहना चाहिए, पूरी तरीके से जला के राख आपको इसमें मिला लेनी है। इस प्रकार से पूरे प्रतिबिंब की राख आपको इसमें मिला लेनी है और अब इस पानी को अपन अभिमंत्रित करेंगे। ये जो जल है जिसमें सामने वाले का प्रतिबिंब आपने मिलाया है, इसको अब अभिमंत्रित करना पड़ेगा ताकि ये जो साधारण तत्का आपने तैयार किया है, जो साधारण सामग्री आपने तैयार की है, वो अभिमंत्रित होकर वशीकरण के लिए यूज आ सके, ऐसा अपने को काम करना है। तो इसे अभिमंत्रित करने का तरीका थोड़ा अलग है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे बताया है वैसे करें, प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखाया जाता है ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो। अब आपको इसे अपने सामने रख लेना है, सम्मुख रख लेना है, पूर्व दिशा की ओर ही आपका मुख पूरी विधि के अंतर्गत रहना चाहिए, यह ध्यान रखना। मंत्र ध्यान से सुनिए, मंत्र की पिक्चर चलाई जाएगी, मंत्र का उच्चारण करके दिखाया जाएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो, गड़बड़ ना हो। तो पहले अच्छे से मंत्र को रटे, उसके बाद में आपको विधि में इस्तेमाल लेना है। मंत्र है, ओम ह्रीम क्लीम नाम वश्य वस्मान स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम नाम वश्य वस्मान स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम नाम वश्य वस्मान स्वाहा। यहां पर नाम के स्थान पे आपको अपने प्रेमी का नाम लेना है जिसका वशीकरण कर रहे हो। और इसको अभिमंत्रित कैसे करना है, एक मंत्र आपको बोलना है, एक बार फूंक मारनी है, जैसे ओम रीम क्लीम सामने वाले का नाम वश्य वस्मान स्वाहा, ओम रीम क्लीम सामने वाले का नाम वश्य वस्मान स्वाहा, फिर दूसरी फूंक, फिर तीसरा मंत्र, ओम रीम क्लीम सामने वाले का नाम वश्य वस्मान स्वाहा, फिर आपको तीसरी बार फूंक मारनी है। ऐसे करके आपको इसमें कुल 51 बार मंत्र बोल के 51 बार फूंक मारनी है। उसके पश्चात इसे अपने तकिए के पास रखकर, अपने सिरहाने के पास रखकर, किसी पात्र से ढककर, इसे किसी पात्र से आपको ढक देना है और ढककर अपने सिरहाने के पास रखकर सो जाना है। रात्रि का काम आपका पूरा हो जाएगा। बस इसे अभिमंत्रित करने का थोड़ा तरीका अलग है, एक बार मंत्र बोलने के बाद एक बार फूंक मार दीजिए, इस प्रकार से आपको करना है। 51 बार मंत्र बोल के 51 बार फूंक मारना है और रात्रि का आपको काम खत्म हो जाएगा, इसे ढककर आपको सो जाना है। सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध तन मन के साथ आपको इसे दोनों हाथों से सूर्य देव को अर्घ देते हुए, सूर्य देव को अर्घ देते हुए
11 बार ये मंत्र और बोलना है, इस मंत्र को याद कर लेना, 11 बार मंत्र और बोलना है अर्घ देते हुए। पानी नीचे गिरता रहेगा और आपको मंत्र कंटिन्यू रखना है 11 बार, इतना धीरे धीरे पानी डालना है कि 11 मंत्र आपके कंप्लीट हो जाए। मंत्र वही रहेगा, ओम रीम क्लीम नाम वश्य वस्मान स्वाहा, ओम रीम क्लीम नाम वश्य वस्मान स्वाहा। ये मंत्र आपको 11 बार बोलते हुए और धीरे 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 इसको अर्घ दे देना है सूर्य देवता को, और फिर उसके बाद में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। 14 जनवरी की सुबह आपको यह काम करना है स्नान आदि से निवृत्त होकर, बस इतना आपको कर लेना है, यहां पर आपका काम खत्म हो जाएगा। अगर आपने ये जीवन में एक बार विधि कर ली, पूरे जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका दास बन के रहेगा। उसी दिन 14 जनवरी 2022 शाम तक आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, सामने वाला पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा। जिस प्रकार से आप प्यार करते हो उससे कई गुना ज्यादा आपको रिस्पॉन्स सामने वाले की तरफ मिलेगा। पति पत्नी में अगर गड़बड़ चल रही है आप ये विधि करिए, अगर आपका प्रेमी किसी तीसरे की तरफ चल गया तो आप ये विधि करिए, कोई भी घर वालों की वजह से आपका रिश्ता टूट रहा है आप ये विधि करिए, आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये विधि करनी है, आपका प्रेमी आपका जीवन साथी बनेगा, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।